जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि आज के समय में 12th के बाद हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, जिसको करने के बाद जल्द से जल्द हमारी नौकरी लगे, अच्छा खासा हमारा सैलरी पैकेज रहे, जल्द से जल्द हमारा करियर सेट हो सके। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताने जा रहा हूँ जिनको किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। यानी कि या तो आपने 12th आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस साइड से किया है, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th कम्प्लीट किया है, तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आपने बिल्कुल सही वीडियो का चुनाव किया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट में आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किसको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स किसके लिए बना है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मैं कोर्सेज आपको बताने वाला हूं, इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन उसमें आपको आज कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले कोर्स की। साथियों, यदि आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, कंप्यूटर आपको चलाना अच्छा लगता है, आपको आगे चल के अपने कंप्यूटर में करियर बनाना है, तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट कोर्स है कि आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। बीसीए किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। आपने आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस साइड से किया है, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, तो आप बीसीए कर सकते हैं। यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें भी आप अलग अलग होता है, आईटी से, सॉफ्टवेयर से, आप अलग अलग इसमें आप जा सकते हैं, लेकिन कॉमन भी आपका बीसीए होता है, तो कॉमन बीसीए आप कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर की फील्ड में आपको करियर बनाना है तो आप बीसीए कर सकते हैं। इसका स्कोप कभी भी कम होने वाला नहीं है। यदि आप अच्छे से अपना बीसीए कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज रहेगा, जॉब ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है। बात करते हैं दूसरे करियर ऑप्शंस की। साथियों, यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको एक प्रोफेशनल लाइफ जीनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो फिर आपको बीबीए करना चाहिए। बीबीए बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो बीबीए के बाद में यदि हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद में आपको और अच्छी हाइक मिल जाएगी अपनी सैलरी में। ऐसा नहीं है कि आप जब तक एमबीए नहीं करेंगे तो तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। यदि आप किसी अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपना बीबीए कंप्लीट करते हैं तो सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी और आपकी जो ज्वाइनिंग है बीबीए के बाद में ही हो जाएगी। इससे आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कोर्स की। तो नेक्स्ट कोर्स है, आज की डेट में बहुत ही डिमांड में है, इंटीग्रेटेड एलएलबी आप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बोले तो बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, यानी कि एक साथ आपकी दो डिग्री कंप्लीट होगी। जैसे बीए एलएलबी, बीए एलएलबी यानी कि बीए कंप्लीट होगा पहले, उसके बाद में फिर आपके साथ साथ क्या चलता है, एलएलबी। तो यानी कि इंटीग्रेटेड एलएलबी आप कर सकते हैं। आज की डेट में यदि हम बात करें, हर किसी कंपनी को लीगल एडवाइजर की आवश्यकता है, स्कोप काफी अच्छा है। यदि आपको जज बनना है तो उसके लिए भी आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, पीसीएचजी का एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, जो बैंक है बैंक में आप एडवाइजर बन सकते हैं, जितनी भी प्राइवेट फर्म है सभी के लिए लीगल एडवाइजर की आवश्यकता होती है। यानी कि स्कोप एलएलबी में भी बहुत अच्छा है। इससे आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट करियर ऑप्शन है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है, आप बीजेएमसी कर सकते हैं। यदि आपको मीडिया में जाना है, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी है, एंकर बनना चाहते हैं, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीजेएमसी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, काफी अच्छा कोर्स है। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इस कोर्स को कर सकता है। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट कोर्स की, तो नेक्स्ट है आपका बीएचएम। यदि आपको घूमना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप देखते हैं होटल इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलेगी, इसके बाद में आप जो एयरलाइंस में भी आपको जॉब मिल सकती है, यदि आप अपना अच्छा इसमें अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो इसमें भी स्कोप बहुत अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसमें भी अलग अलग फील्ड है, अलग अलग सेपरेट फील्ड है, तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है सभी जो टॉपिक है, तो अगर उनको डीपली आपको जानना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कोर्स की, तो नेक्स्ट कोर्स है आपका बीएफए, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ये भी कोर्स आज की डेट में बहुत ही डिमांड में है, बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। इसका मतलब ये है कि यदि आपको स्केच बनाना अच्छा लगता है, ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी है, सिंगिंग आपकी अच्छी है, डांसिंग आपकी अच्छी है, यानी कि इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं। इसमें भी कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है। इससे आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कोर्स की,
तो नेक्स्ट कोर्स है आपका BFD यानी कि बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। तो बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग यानी कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा डिमांड में है कोर्स, सैलरी बहुत अच्छी है यदि किसी आप अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आप करते हैं। इसमें जो कैरियर स्कोप है आपका, यानी कि यदि हम एक फीमेल की बात करें तो फीमेल के आपके ड्रेस से लेके शूज से लेके सैंडल से लेके जितने भी उनकी डिजाइनिंग है, जितने भी उनके कॉस्ट्यूम है, उन सब की जो डिजाइनिंग जो सिखाई जाती है, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना, ये सब सारी चीजें सिखाई जाती है। तो BFD आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। तो ये खासकर लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। इससे आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कोर्स की। नेक्स्ट कोर्स है साथियों आपका BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट। अब बच्चे कहेंगे कि सर BA तो बहुत छोटा सा कोर्स है। ऐसा नहीं है, यदि आपका मन है आपको एक बड़े लेवल पे तैयारी करनी है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, या फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप अपनी जॉब के साथ साथ कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो वो कोर्स है आपका BA। यदि आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपको जॉब भी करनी है और साथ के साथ कोई कोर्स आपको कंप्लीट करना है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तो वो आप करें BA। क्योंकि BA आप अपनी जॉब के साथ साथ कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज भी आपका सही आ जाएगा, आपको इतनी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसके बाद में आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं उन फॉर्म को आप भर सकते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आप क्या हो जाते हैं ग्रेजुएट हो जाते हैं। या फिर आप अपना BA के साथ साथ अपने किसी एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पूरा उसमें 100% दे सकते हैं। 12th के बाद से आप अपनी तैयारी स्टार्ट की, 3 साल तक आपने अपना तैयारी की और साथ के साथ अपना BA कंप्लीट किया, तो आप यदि किसी चीज को 3 साल आप पढ़ेंगे, 3 साल तक आप तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली उस एग्जाम को आप पास कर लेंगे। तो BA भी काफी अच्छा कोर्स है। तो मैंने आपको बता दिया किसके लिए BA बेस्ट है। आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है आपका BA एनिमेशन। यदि आपको एनिमेशन की तरफ जाना है, 3D एनिमेशन बहुत सारी चीजें हैं, इसमें भी आपका VFX है, तो यदि आपको एनिमेशन की तरफ जाना है, एनिमेशन में करियर बनाना है, तो BA एनिमेशन से आप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कोर्स की। तो नेक्स्ट कोर्स है आपका BSW। इस कोर्सेज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अब कहेंगे कि सर इसमें जॉब कहाँ मिलेगी, तो जॉब ऑप्शंस इसमें भी बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट में भी जॉब निकलती है, गवर्नमेंट में भी इसमें जॉब आती है। यानी कि बात करें बैचलर ऑफ सोशल वर्क, यानी कि जो एनजीओ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एनजीओ है या जो एनजीओ है उसमें हायरिंग होती है। समाज सेवा आप करना चाहते हैं, समाज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क आप BSW कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट करियर ऑप्शंस की। तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है आप 12th के बाद डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं। डीएड बोले तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड आप कर सकते हैं। डीएड के बाद आप जो है प्राइमरी लेवल के टीचर बन जाते हैं। यदि आपको जल्दी से जॉब चाहिए उसके बाद में, तो आप क्या कर सकते हैं डीएड कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कोर्स है आपका डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज बोले तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं डिप्लोमा कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में सभी में क्या करा दिए गए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर दिए गए हैं। जैसे हम बात करें आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, लेकिन कंप्यूटर में भी किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाना है, जैसे आपको मार्केटिंग की फील्ड में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको एक योगा ट्रेनर है, आपकी कोई जिम है या कोई भी आप इस तरीके का आप काम कर रहे हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, योगा में कर सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड में आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, यानी कि बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज आ गए हैं, तो आप उन डिप्लोमा कोर्सेज को कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स, यदि आपको एक टीचर बनना है, तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या करें, इंटीग्रेटेड BEd कर लें, जैसे BA+BEd, BSc+BEd। इसके बाद में BCom+BEd, तो ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। यदि आपका टीचर बनने का सपना है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है। इंटीग्रेटेड कोर्स करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपकी एक तो दोनों डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि आपका BA कंप्लीट हो जाएगा और साथ के साथ आपका BEd कंप्लीट हो जाएगा। तो BA जो आपका होगा यहाँ पर 3 साल का होगा, प्लस आपका 1 साल का आपका BEd होगा, 4 साल में आपकी जो ये डिग्री है कंप्लीट हो जाएगी।
अब इसके बाद में आपको बेनिफिट ये होगा कि जो बीएड की पढ़ाई है पूरे आपको 4 साल कराई जाएगी, यानी कि उसके कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करा दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको 4 साल तक आप बीएड को पढ़ेंगे, 4 साल तक उन सब सारी चीजों को सीखेंगे और उसके बाद में आप जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनको आसानी से पास कर सकते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको किसी कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।